नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए मासिक राशिफल की सीरीज। अभी तक हमने आपको मिथुन राशि के बारे में जानकारी दी थी। आज चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए ये माह कैसा रहने वाला है, कर्क राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है 21 जून का, वो कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा या नहीं, और धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी व्यवसाय में कोई खतरा तो नहीं है या कोई बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, और क्या रहेगी हमारी इस महीने की सलाह और अंत में उपाय, ये सब जानकारी दर्शकों हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे ग्रहण को लेकर कि कर्क राशि वालों को इस ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण। उससे पहले ये बता दें कि ग्रहण का समय क्या है, सूतक क्या है। देखिए दर्शकों, 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। सुबह 10:14 से दोपहर 1:38 तक ग्रहण का पूरा असर रहने वाला है। इस दौरान कोशिश करें जहां पर हो वहीं पर रहें, घर पर हैं घर पर रहें, दफ्तर में हो तो वहीं पर रहिए, अपनी शॉप पर हो तो वहीं रहिए, बाहर ना निकलिए, सूर्य की किरणों से बचिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर निकलना भी पड़ सकते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दर्शकों, वैसे तो कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान खान पान से बचना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं तो कोई पाबंदी नहीं है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान विशेष ख्याल रखें, घर पर ही रहें बेहतर होगा। अगर आप दफ्तर में आ रही हैं तो बाहर ना निकलें, और इस दौरान अगर आपको प्यास लगती है, कुछ खाने का मन इच्छा हो तो जरूर खाइए, ईश्वर आपका बहुत भला करेंगे और आपकी संतान का ध्यान रखेंगे। तो दर्शकों, ग्रहण का समय हमने आपको बताया, सूतक बता दें, 1 दिन पहले रात को 10:14 पर यह सूतक लग जाएगा, और सूतक के बाद सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं जैसे कि सब जानते हैं। और इस बार मंदिर तो बंद हैं तो इसी वजह से कोई पूजा पाठ इत्यादि पहले से नहीं हो रही है। अगर आप घर पर भी करेंगे तो सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई पूजा पाठ भी ना करें, घर का मंदिर हो उसको बंद करके रखें, मत खोलें अगले दिन तक शाम तक, तो बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, अब देते हैं अहम जानकारी कि कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण कैसा रहने वाला है। दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रहण है ये 12वीं राशि में पड़ रहा है, 12वें घर में पड़ रहा है, मिथुन राशि में, यानी कि खर्च दिखा सकता है, कोई रोग छोट दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। ग्रहण जो है आपको मानसिक तनाव से पीड़ित रख सकता है, तो मानसिक पीड़ा आपको इस ग्रहण में ज़्यादा रहेगी। जैसे मिथुन राशि वालों को है तो आपकी राशि से 12वें भाव में बैठेगा, अनिद्रा, मानसिक चिंता, खर्च रहना, इस तरह की परेशानी से आप पीड़ित रह सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए। इस समय पर वाणी पर संयम बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचना चाहिए, माता पिता के साथ भी वाद विवाद से बचें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दें, उनकी सेवा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दर्शकों, ये जो ग्रहण है आपका, काम कारोबार के दृष्टिकोण से आपका बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि धन लाभ बहुत देगा, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, लेकिन क्रोध की अधिकता और मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी रह सकता है। तो दर्शकों, इस चीज से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, ऐसी हमारी सलाह है। और क्या कुछ उपाय होंगे वो बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, पूरा हमारा प्रोग्राम देखिए, अंत में आपको सभी उपाय मिलेंगे। इसके अलावा इस माह का राशिफल में भी जो समस्याएं आती हैं उनके भी उपाय आपको देंगे। दर्शकों, शुरुआत कर लेते हैं कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य से। कर्क राशि वालों, इस माह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो बनती नजर आ रही है वो अच्छी नहीं है। छठे भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में केतु चल रहे हैं, कोई बड़ी गंभीर बीमारी रह सकती है, थोड़ा सावधान रहिए, और ग्रहण का भी समय रहेगा तो बाहर निकलने से ज़्यादा बचिए। कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, पाइल्स की समस्या समय बढ़ सकती है, उदर रोग परेशान कर सकते हैं, एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, फिशर इत्यादि की समस्या समय बढ़ सकती है, थोड़ा सावधान रखिए। अचानक से ज्वर इत्यादि भी हो सकता है, या पेट संबंधी रोग को इन्फेक्शन बड़ा रूप ले सकता है। खान पान पर संयम बरतेंगे, घर का खाना खाएंगे, सादा खाना खाएंगे,
तला होना, बासी मत खाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दर्शकों, आपके 12वें भाव में जो राहु और बुध की स्थिति बनी हुई है वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और सेहत का आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे दर्शकों तो आपके लिए फायदा रहने वाला है। अष्टम मंगल भी है तो ये भी थोड़ी सी परेशानी कर सकता है, ध्यान रखिए आप अपना। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य से आगे बढ़ते हुए, बात करते हैं आपके काम कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो नौकरी जहाँ पर कर रहे हैं तो वहीं पर ही करते रहिए, अगर बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, विशेष लाभ मिलेगा। अच्छी नौकरी मिलने के योग कर्क राशि वालों को बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कार्य व्यवसाय नौकरी में समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको कुछ बहुत बड़ा कार्य इस समय मिलेगा, प्रोजेक्ट बड़ा मिलेगा जिसमें आप पूर्ण रूप से उसको कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह उसको अंजाम देंगे, जिसके कारण आपकी ख्याति भी बढ़ेगी और आपकी गुडविल भी बनेगी, और ऑफिस में आपको एक विशेष दर्जा, विशेष सम्मान भी इस महीने मिल सकता है आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपके काम के लिए। बात करते हैं दर्शकों आपके व्यवसाय की, तो व्यवसायियों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार में शनि की स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, गुरु भी यहाँ शुभ हैं। कुल मिलाकर दर्शकों, काम कारोबार आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। आपको अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सभी कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ भी होगा, आपके काम में बहुत बड़ी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। अगर आने वाले समय में आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन समय है, धन लाभ भी अच्छा होगा। इस माह अगर हम कहें कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रंग लाएगी, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत कर लीजिए तो वो और भी ज़्यादा रंग लाएगी। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये मूल मंत्र है, ज़्यादा मेहनत और बड़ी सफलता। रिस्क लेने से पीछे मत हटिए, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि मोर रिस्क मोर गेन, जितनी ज़्यादा इस समय आप रिस्क लेंगे उतनी बड़ी आपको सक्सेस मिल सकती है, ऐसे कुछ सितारे कर्क राशि वालों के इस माह कह रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, हिम्मत मत हारिए, घबराइए मत और नर्वस मत होइए। आजकल थोड़ा नर्वस रह रहे हैं आप, हमें पता है कि कुछ परेशानियां हैं लेकिन उनका भी समाधान है, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, नर्वसनेस से आपको इसमें बचना चाहिए। तो दर्शकों, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है काफी अच्छा रहेगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा। अगर आप ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी परीक्षा अगर CBSE की है अगले महीने जुलाई में जैसे, तो वो भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। इस माह जो मेहनत करेंगे वो बड़ी रंग लाएगी, मन लगाकर पढ़िए, तनाव से बचिए, स्ट्रेस ना लें, प्रेशर ना लें अपने ऊपर पढ़ाई का, सामान्य रूप से लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों। चलिए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाई बहन से कटुता हो सकती है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं। शरीर का विशेष तौर पर दर्शकों ध्यान रखें, कर्क राशि तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहने वाली है। संतान सुख भी मिलेगा, संतान की तरक्की भी होगी, संतान की सेहत भी अच्छी रहेगी, तो किसी तरह की कोई परेशानी संतान के पक्ष में नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे आपकी वित्तीय स्थिति पर, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी रहेगी। तो कर्क राशि वालों, पैसे की स्थिति इस समय आपकी बहुत अच्छी भी बनती नजर आ रही है। सूर्य की स्थिति जो है वो दिखा रही है कि शुरुआत में पैसा अच्छा खासा लाभ मिलेगा, काफी फायदा होगा, हालांकि आपका भी खर्च अधिक नजर आ रहा है क्योंकि 12वें भाव में राहु और बुध बैठे हैं और सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे महा के मध्य में, तो खर्च भी अधिक रहेगा, लाभ भी होगा, धन लाभ भी होगा। शुक्र बहुत अच्छा लाभ देने को तैयार बैठे हैं, लाभ देते रहेंगे, अगर और ग्रह खर्च कराएंगे तो शुक्र उस लायक पैसा भी देंगे, तो इसलिए लाभ की स्थिति यहाँ मैं तो कहूँगा कि थोड़ा बेहतर ही नजर आ रही है आपके लिए। शनि भी बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं गुरु के साथ बैठकर, तो लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। कहीं धन निवेश ना करें अन्यथा आपको हानि हो सकती है, किसी को पैसा उधार ना दें इस समय, इस चीज का दर्शकों विशेष ख्याल रखेंगे आपके लिए तो फायदेमंद साबित होने वाला है। अब बात करते हैं इस माह में आपके सलाह क्या है। देखिए, मेरी सलाह यह है कि
व्यक्ति के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए इस समय, और कम बोलें और अच्छा बोलें तो बेहतर रहेगा। अति उत्साह घमंड ना दिखाएं, धन निवेश ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। दर्शकों, वैवाहिक जीवन में आपके थोड़ा सा चुनौतियां बनती हुई नजर आ रही हैं। गुरु मकरी हैं, कुछ परेशानी दे सकते हैं, और मांगलिक इस माह दोष भी बंधा है तो वो भी परेशानी रह सकती है। तो वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता रह सकती है, थोड़ा सावधान रहिए, वाणी पर संयम रखिए, जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखें, एक मर्यादा में चलिए। किसी तरह का वाद विवाद से आपको बचना चाहिए तो बेहतर होगा, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं और अलगाव की स्थिति भी बन सकती है, तो थोड़ा संभल कर चलिए, जून मास में आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, नए प्रेम संबंध इस समय स्थापित हो सकते हैं। कोई रिलेशन अगर आपका ब्रेक हो गया था तो वो फिर से जुड़ सकता है इस समय, तो प्रेम संबंधों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और दर्शकों, अब बात कर लेते हैं आपके उपाय की। तो सबसे पहले हमने सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बताया था कि वो कौन सा मंत्र है। ओम घृणी सूर्य नमः, इस मंत्र का जाप करें सूर्य ग्रहण के बाद नहाने के पश्चात। 1.25 किलो गुड़ का दान करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, उस दिन गरीबों की सेवा करेंगे, इतना समान व्यक्ति का आशीर्वाद लेंगे। कोई पुजारी अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको कुछ दान दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दर्शकों, सामान्य तौर पर आपको इस माह पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। और राहु की शांति के लिए दर्शकों क्या करना चाहिए कि आपको बहते जल में नारियल प्रवाहित करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और केसर का तिलक आप अपनी छाती पर लगाते रहें तो बहुत बेहतर रहेगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। चींटियों को दाना आटा डालें, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको कबूतर कोई चिड़िया मिलती है तो उनको भी सतनजा खिलाएं, बहुत फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। गणेश जी की आराधना करने से भी आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ये सब कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये माह आपके लिए सामान्य हो जाएगा। जो छोटी मोटी परेशानियां आपके स्वास्थ्य में दिख रही हैं, भाई बहनों के साथ संबंध में कटुता दिख रही है, थोड़ी वैवाहिक जीवन में दिख रही है, तो वो दूर हो जाएगी, आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, एक चीज और बताते चलें कि ग्रहण काल के दौरान किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ग्रहण काल के दौरान आपको एक तो कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें जब तक कोई बड़ी मजबूरी ना हो, जहाँ पर हो उस समय वहीं रहें, और दोपहर 2 बजे के बाद आप अपनी यात्रा शुरू करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अगर उनको कुछ खाने पीने का मन है तो उस दौरान खा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी खा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि योग का सहारा लें, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। ग्रहण वाले दिन मानसिक तनाव दर्शकों को बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा राहु केतु कुछ ऐसी स्थिति में ग्रह नक्षत्र फंसे हुए हैं, बड़ी मानसिक तनाव की स्थिति रहती है, जिसकी वजह से आदमी बौखला जाता है और कोई गलत कदम उठा लेता है, एक दिन पहले भी और एक दो दिन बाद तक भी। तो इसलिए कहा है कि योग का सहारा लें, वाणी पर संयम रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। तो दर्शकों, ये हमने आपको बताया कर्क राशि का जून का मासिक राशिफल और ग्रहण के क्या असर होगा आपके ऊपर, और उनके उपाय भी हमने आपको बताए। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमें फोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, बकायदा अपॉइंटमेंट लेकर दर्शकों। और दर्शकों, अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे सिंह राशि के ऊपर ग्रहण का असर कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आपका मासिक राशिफल जून का कैसा रहेगा। तो आज फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।